अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 7 बजे से। तो आज है जुमेरात, मैं यहाँ बना रही हूँ चिकन बिरयानी। तो यहाँ मैंने ले लिया था, तेल ले लिया था 3 बड़े चम्मच। तो इसमें मैंने अपनी 3 प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, वो मैंने तल के निकाल ली थी डार्क ब्राउन करके। तो प्याज निकालने के बाद मैं यहाँ डाल रही थी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो बस यहाँ मेरा ये बन रहा था, तो क्योंकि बस ऐसे ही सोचा मैंने, आज सोचा कि आप शाम से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी हूँ, जब से तो कुछ टाइम मिल नहीं पा रहा था। तो ये मेरा भुन चुका था मसाला, तो यहाँ मैं डाल रही थी अपने खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में मेरा ज़ीरा था, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, स्टार फूल, ये सब था। और इस टाइम पर मैं वो तेज़पत्ता डालना भूल गई, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में बना रही थी, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी और थी, तो मैं भूल गई इसमें तेज़पत्ता डालना। वैसे आप लोग डाल लेना। तो मैंने आपको बताया नहीं कि मेरा कितना चिकन था। चिकन मेरा 1 किलो से थोड़ा कम मेरा चिकन था और इतने ही मेरे चावल थे। तो बस यहाँ पर मैं 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, तो ये मैं इसमें भून लूँगी, क्यों मैं ये कच्चे चिकन की बना रही हूँ, ऐसे मैंने यखनी वाली नहीं बना रही हूँ। और ये जल्दी बहुत जल्दी बन जाती है आसानी से। तो चावल मैंने अपने भिगो दिए थे, चिकन वगैरह मैंने सब अपना धो के रख लिया था। तो यहाँ पर मैं अब डाल रही हूँ लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने बहुत थोड़ी सी डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है, बस थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा तीखापन इसमें आ जाएगा, इसलिए क्योंकि मेरे घर में सब चटपटी ही खाते हैं। तो आप अगर डालो तो अपने हिसाब से डाल लेना। यहाँ मैंने डाला है धनिया, पिसा हुआ जो धनिया होता है, क्योंकि यखनी में साबुत धनिया डलता है, तो इसलिए मैं जो अगर ऐसे बनाती हूँ तो मैं इसमें ऐसे ही डाल देती हूँ पाउडर वाला, ताकि यखनी वाली सी खुशबू इसमें आ जाए। इस वजह से मैं इसमें ऐसे ही डालती हूँ। तो ये सब मेरा भुन चुका था, तो अब मैंने इसमें डाल दिया था अपना चिकन, जो मैंने चिकन अपना धो के साफ़ करके रख दिया था। तो चिकन डाल के मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही भूनती हूँ, मतलब इसमें अभी कुछ नहीं डालूँगी, पर जो इसका चिकन का पानी है, क्योंकि चिकन भी पानी छोड़ता है, तो इसी में ही मेरा चिकन गल जाएगा अच्छे से। फिर यहाँ मैंने इसे पानी खुशक होने तक भून लिया था। तो अब देखो यहाँ मेरा चिकन अच्छे से भुन चुका था, अब तेल अपना ऊपर आने लगा था इसमें। तो मैंने इसमें डाला था बिरयानी मसाला 1 चम्मच। तो आप भी बिरयानी मसाला कोई सा भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। यहाँ मैंने लिया था एवरेस्ट का बिरयानी मसाला, अच्छा होता है एवरेस्ट का भी, मैंने कितनी बार यूज़ किया है, टेस्ट भी अच्छा आता है इससे। तो बस मैंने यहाँ भून लिया था इसको अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर डाली थी हरी मिर्च और टमाटर, टमाटर मैंने 2 लिए थे बड़े साइज़ के, और हरी मिर्च मैंने 10-15 मैंने हरी मिर्च ली थी, और 1 कप मैंने यहाँ डाला था दही, क्योंकि हरी मिर्च ज़्यादा मैंने इसलिए डाली थी, मेरे घर में सब तीखी खाते हैं, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सबको तीखी बिरयानी अच्छी लगती है, मतलब थोड़ी चटपटी सी रखनी चाहिए, फीकी फीकी वो नहीं खाते कोई भी, तो इसी वजह से मैंने इसमें मिर्ची ज़्यादा डाली थी। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे भी आप खाते हो तीखा, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। तो टमाटर भी मैं इसमें भुनने के बाद ही डालती हूँ, क्योंकि टमाटर जो पेस्ट बन जाता है वो अच्छा नहीं लगता, थोड़े टमाटर थोड़े साबुत साबुत से दिखते हैं वो अच्छे लगते हैं। और दही भी मैंने बाद में ही डालती हूँ भुनने के, थोड़ा सा जब चिकन गलाने के बाद, क्योंकि चिकन के टाइम पे अगर दही डालो तो वो दही के साथ साथ वो टेस्ट नहीं आता, बाद में दही डालने से अलग टेस्ट आता है। तो बस फिर यहाँ पर मैं इसे अच्छे से भुन रही थी अपना, तो मेरा ये भुन चुका था वो अच्छे से। तो यहीं पर मैंने जो मैंने प्याज थोड़ी सी तल के जो निकाली थी, मैंने वही थोड़ी सी प्याज इसमें भी डाल दी थी। तो इसे ये मैं एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, बिरयानी कभी भी मैं एक तरीके से नहीं बनाती, कभी कुछ ना कुछ उसमें चेंज करती रहती हूँ, और माशाल्लाह बनती भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब फालतू के एक्सपेरिमेंट करती हूँ मैं, नहीं, थोड़ा बहुत अपना ऐसे ही पंगा लेती रहती हूँ खाने के साथ साथ, कि कुछ ना कुछ अपना ज़रूर डालना है उसमें, मिक्स करना ही करना है कुछ अपने तरीके से। वैसे ये भी मेरे तरीके से ही है। तो बस यहाँ मैंने चावल डाल दिए थे, चावल डाल के मैंने इसमें जितना मेरे चावल थे उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला था, क्योंकि चावल मेरे 1 घंटे भीग चुके थे पहले से ही, क्योंकि मेरे बासमती चावल नहीं थे, मेरे चावल पक्के वाले थे, जो पक्का चावल होता है, क्योंकि मेरे घर में बासमती चावल की बिरयानी नहीं खाते कोई भी, वो आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं जो भी आप पसंद करते हैं। तो आप उसी हिसाब से उसमें पानी डालिए, तो मैंने तो अपने चावल के हिसाब से पानी इसमें डाला था। और वैसे मैं मतलब वैसे तो जैसे जितने चावल होते हैं उससे दुगना पानी डलता है, अगर चावल थोड़े ज़्यादा भीगे हैं तो थोड़ा कम कर लो पानी। तो यहाँ मैंने अपना, मैं इसे नाप भी रही थी उंगली से, कि वो अम्मी वाली ट्रिक है ये,
जैसा मेरी अम्मी ऐसे ही पानी मतलब मुझे अंदाज़ा ऐसे ही बताया था उन्होंने जब मैं खाना बनाना सीखा था। तो बस यहाँ मैंने अपनी बिरयानी रख दी थी बनने के लिए, ढक के 10 से 15 मिनट के लिए मैंने रखी थी। इतने मेरे यहाँ पर मैं कर रही थी अपनी चटनी की तैयारी, क्योंकि बिना चटनी के मेरे घर में कोई बिरयानी नहीं खाता। तो यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए थे, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला था और 3-4 लहसुन की कली डाली थी, 3 हरी मिर्चें और 3-4 ही मैंने लाल मिर्ची डाली थी सूखी वाली। तो इन सबको मिला के मैंने अपनी चटनी पीस दी थी और बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से चटनी, क्योंकि मेरे बच्चे ये वाली चटनी खाते हैं। बिना टमाटर की चटनी के उनको बिरयानी नहीं पसंद, बिरयानी या कोई भी चावल या पुलाव कोई से भी हो वो नहीं खाते ऐसे कोई भी चीज़। तो यहाँ मेरे 15 मिनट हो चुके थे, 15 मिनट में मैंने अपनी बिरयानी का ये खोल के देखा ढक्कन, तो इससे आधे से ज़्यादा पानी खुशक हो चुका था। तो फिर मैंने इसको कर दिया था मीडियम। मीडियम करने के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए मीडियम पे रख दिया था। तो मीडियम पे रख फिर मैंने थोड़ी देर बाद इसको खोला तो इसका पानी बिल्कुल खुशक हो चुका था, बस थोड़ा बहुत जैसे ऐसे दम के लिए रह गया था। तो यहाँ मैंने डाल दिया था इसमें कलर। कलर डालने के बाद फिर मैंने इसमें जो प्याज तल के रखी थी मैंने प्याज डाल दी थी। फिर उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे मैंने इसको दम पे रख दिया था। और फिर उसके बाद दम के बाद जो मैंने ढक्कन खोला था, माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू बिरयानी की आ रही थी, इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी और एकदम सिंपल आसान तरीके से, कोई ज़्यादा तामझाम भी नहीं, कुछ नहीं। तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में भी और खाने में भी इतनी ही मज़े की थी। तो यहाँ मैं निकाल रही थी डिश में तो एक भी मेरा चावल टूटा नहीं था, माशाल्लाह से एकदम खिले खिले से चावल बनते हैं, एक भी दाना मेरा चावल का नहीं टूटता है। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो अब था मैंने रात का वो व्लॉग, मैंने वहीं वो कर दिया था, ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था। ये अगले दिन का है, रात को 11 बजे जुमे को। तो रात को देखो 11 बजे मेरे घर में शिफ्टिंग चल रही थी, मतलब मेरा सामान, मेरी 2 अलमारियाँ, दोनों दो ही रूम है मेरे, तो दोनों मेरे बाहर वाले रूम में रखी थी अलमारी, वो मैंने अंदर वाले रूम में करवाई थी। और रात को 11 बजे हम यहाँ पर लग रहे थे, मतलब मुझे लगे यहाँ पर 1.5 घंटा हो गया था, 12:30 बजे हम ये सब करके निपटे थे। और ये अलमारी मेरी इतनी लंबी और इतनी भारी थी, ये बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत हल्की सी है तो वो तो यूँ ही आ गई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी है और ये भरी हुई भी थी, तो इस वजह से इसको बहुत दिक्कत लगी, बहुत मुश्किल से ये अंदर आई थी अलमारी मेरी। तो यहाँ पर बस हम यही सब करने लग रहे थे अपना रात में, क्योंकि जो भी टाइम मिलता तो रात को ही मैं करती हूँ अपना ये सब चीज़ें। तो यहाँ बस ये सब हो गया था, उसके बाद इस कदर मेरा पूरा घर फैल चुका था, तो मैं यहाँ पे कर रही थी अपनी सफाई। तो मेरी अलमारी अलमारी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब दिन तो ख़त्म, रात तो ख़त्म हो गई थी, रात को तो हम सो गए थे, तो दिन में ये देखिए यहाँ पर ये सब। तो यहाँ मेरे कमरे में, यहाँ मैंने अपने दूसरे, जहाँ इधर मेरा फ्रिज रखा हुआ था, तो इधर मैंने अपनी दोनों अलमारियाँ लगवा दी, और दूसरी साइड में दूसरे कमरे में जहाँ मेरी अलमारियाँ थी वहाँ मैंने अपना फ्रिज लगा दिया। तो बस फ्रिज भी खाली नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैंने वहाँ पर अपने एक मेरी बर्तनों वाली अलमारी थी वो भी मैंने उसी के साइड में लगवा दी। थोड़ा रूम भी थोड़ा चेंज हो गया और सफाइयाँ भी हो गई। वैसे तो सफाई इतनी होती रहती है, पर फिर भी कोई चीज़ हटाओ तो इतना ही ज़्यादा कूड़ा दुनिया भर का निकलता है पता नहीं कहाँ से। आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।